रमज़ान का जो चांद है वो देखा जा रहा है, लेकिन जो सीए का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी तमाम उलमा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं मौजूदा वक्त में, और अभी कुछ देर के बाद वो इस चीज़ को जानेंगे और इस चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू होंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बराबर इसके ऊपर जो एक बहस चल रही थी, लगातार एक बात चल रही थी कि सीए लागू होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा। मौलाना मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है, अब सीए लागू होगा पूरे देश में, इसको लेकर क्या कहना है, बातचीत करें। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, अगर सीए पूरी तरीके से देश में लागू होता है तो आप लोग का उस पर क्या कुछ नज़रिया होगा? अरे देखिए, ये रमज़ान मुबारक के चांद देखने का वक्त है, जाहिर सी बात है, अभी इस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। अभी तो पहला मकसद ये है कि हम जो मरकज़ी चांद कमेटी है वो यहाँ चांद देख रही है, और रमज़ान मुबारक का मौका है, रमज़ान मुबारक की आमद है, इसलिए इस पर बाद में गुफ्तगू की जा सकती है। इसमें क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं वो मौका मेरे ख्याल से बाद में है, उस पर बाद में गुफ्तगू की। अहमद, आप इन्हें बताएं कि देखिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, अब देश में सीए लागू होगा। बिल्कुल, देखिए अभी अब से कुछ देर के बाद जो है वो तमाम उलमा, खुद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो अब से कुछ देर के बाद सीए के ऊपर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और जिस तरीके से, चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अहमद नरेंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए गृह मंत्रालय ने सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अब जल्द ही ये पूरे देश में सीए लागू हो जाएगा। लेकर कई दिन पहले बीजेपी ने इंडिकेट भी कर दिया था कि सीए को वो लागू करेंगे चुनाव से पहले, और कल से जो रमजान है महीना शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अभी जो चांद देखने का वक्त है तभी ये जो नोटिफिकेशन का ऐलान है प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे साथ बहुत सारे जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए नेता हैं मौजूद हैं। कौर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खौफ है इस चीज को लेके वो मुसलमानों में ही है, और पहले भी आपने देखा बहुत सारी हिंसा भी इसको लेकर। देखिए, ये जो सीए लागू किया है ये कोई ऐसा वो नहीं है जो किसी को देश से बाहर निकाला जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे। ये तो जिन लोगों पे नागरिकता नहीं है उन्होंने नागरिकता देने के लिए सीए लागू किया गया है, और ये विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, ये खत्म हो जाएगा विपक्ष का मुद्दा। आप बताइए जिनवा साहब, किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा और जो डर है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ये तो देश हित में लिया गया है, और अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम समाज है हमारा, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी यहां से वास्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो विपक्ष का जो मुद्दा है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और मुस्लिम्स में कहीं पे भी इसका कोई जिक्र भी नहीं है। भाई, हम तो देश के नागरिक हैं, हमें कौन निकाल देगा? तो आप क्या मान रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो घुसपैठिए हमारे देश में आ गए? घुसपैठिए तो उन लोगों के लिए है जो घुसपैठिए हैं जो देश में आ गए हैं, और भाई घुसपैठियों का हमारे देश से क्या मतलब? और ये जो सीए है उसमें कहीं से कहीं तक कोई मुस्लिम समाज जो हमारा है वो कहीं से कहीं तक कोई नहीं घबरा रहा है। ये तो विपक्ष की पार्टियों को एक मुद्दा मिला हुआ था, अब वो खत्म हो जाएगा मुद्दा, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका इम्पैक्ट आप चुनाव पर? इसका इम्पैक्ट कोई चुनाव पे नहीं पड़ेगा, ये तो देश हित में है फैसला। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां इसको हवा बनाती थी, क्या उनकी सियासत खत्म नहीं होगी? देखिए, आपकी बात, आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, पूरी विपक्ष की सियासत खत्म हो जाएगी, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो गेम चेंजर का काम करेगा, और आपकी बात, इतना एनडीए गठबंधन को वोट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आतिर भाई, आप क्या सोचते हैं इस एक्ट का जो इम्प्लीमेंट होना है उसको लेकर? देखिए, पहली चीज ये समझ लीजिएगा कि सीए है क्या। सीए तीन देशों के जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए हैं गैर मुस्लिम, उनको भारत वर्ष की नागरिकता देने के लिए सीएए को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, एक चीज। दूसरी चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीए लागू होने से जो देश के अंदर मौजूद है, जो बाहर के शरणार्थी जो रह रहे हैं, जिनको हमने शरणार्थी माना है, अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री पर कोई शक है तो उसका ऑलरेडी एक कानून मौजूद है। बेजा लाकर केवल चुनाव के समय ये आपस में ध्रुवीकरण करना और लड़ाने का काम है, इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। कई बार हम लोग ये सवाल कर चुके हैं कि आप अपना नीति हमको बताओ,
सरकार आज तक स्पष्ट नीति इस पर नहीं बताती। देने की बात, डर क्या है, किस चीज का डर है? ना ना, बात देने और लेने की नहीं है, बात प्रश्न है नीति की, बात प्रश्न है इनकी नियत की, क्योंकि अभी तक इनकी नियत साफ नहीं है। जब नियत साफ नहीं है इसलिए संदेह, तो राजनीतिक दृष्टि से मैं समझता हूँ इनको स्पष्ट कर देना चाहिए सरकार को कि हमारा उद्देश्य है। तो क्या है नागरिकता संशोधन कानून, बता दें कि गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। कानून से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है। तो लगातार देखिए शुरू से ही ये कानून विवादों में रहा है। वैध यात्रा दस्तावेज से घुसे लोगों की जो नागरिकता होगी वो खत्म होगी। नागरिकता अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। तय अवधि से ज्यादा समय तक रुकने वाले की जाँच होगी। और दिल्ली से स्वाति पाठक हमसे जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए सीएए ये वह कानून है जो शुरू से ही विवादों में बना रहा, अब इसको लेकर देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जल्द ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। स्वाति, आपको रोकना चाहेंगे, उससे पहले अहमर के पास मैं जाऊंगी। अहमर, आपके पास तमाम लोग मौजूद हैं, मौलाना आपके पास मौजूद थे, और देखिए ये कानून हमेशा से विवादों में रहा है, अब इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जल्द ही ये पूरे देश में कानून लागू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। सर, जो सीए को लेकर एक बहुत लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, उसको लागू कर दिया गया है। अब आप लोग का इस पर क्या, किस तरीके का नजरिया है? देखिए अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है, और जाहिर बात अपने लीगल कमेटी उस पूरे जो भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको पूरा स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही अपील है कि किसी पैनिक में मुब्तिला होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ जो मुस्लिम तंजीमें हैं उसको स्टडी करेंगी, उसके बाद अपनी बात रखेंगी। मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और रमज़ान के इस मुबारक महीने को पूरी इबादत में गुजारा जाए। 2019 में देखा गया था बहुत बड़े पैमाने पे इसकी मुखालफत हुई थी, विरोध हुआ था, किस तरीके की आपकी मुसलमानों से अपील करेंगे, क्योंकि आज से रमज़ान भी शुरू हो रहा है? ये मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जब तक पूरा मसौदा अपने सामने ना हो तब तक उस सिलसिले में कुछ कहना मुश्किल है। सर, इसमें बताया जा रहा है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन जो शरणार्थी हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। नहीं, ये बात तो कही जा रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पूरी बात वाजे हो जाए उसके बाद ही कोई बात कही जाएगी। पूरी बात बता रहे हैं कि वाजे हो जाए, और जो तमाम देखिए जो लोग हैं यहाँ पर मुसलमानों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अब बराबर खड़े हो रहे हैं, और बहुत सी जो ऐसे लोग हैं यहाँ पे शामिल हैं। सर, सीए को जो बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो लागू कर दिया गया, आप लोग किस पे किस तरीके की राय? देखिए अभी तो आज ही लागू हुआ है, तो अभी कोई बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज ज़्यादातर मुस्लिम धर्म गुरु और ज़्यादातर लोग जो हैं, आज रमज़ान की पहली रात है, चांद रात है, तो लोग नमाज के लिए और तरावी के लिए लगे हुए हैं, तो इस वजह से अभी कोई बात करना और कुछ अभी कागज़ देखे नहीं गए हैं तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जैसे हम लोग ने देखा था कि पिछली बार बड़ा विरोध हुआ था, तो अब की लग रहा है क्या कुछ इस तरीके का? नहीं, अभी विरोध तो नहीं होगा, अभी विरोध के लिए कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है, जब तक के ऊपर से जो ना सारे धर्म गुरु बैठ करके उस पर देखेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि नागरिकता किसी की जाएगी नहीं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। देखिए मेन पहलू इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप एक चीज़ को नुमाया कर दे, अगर ये सीए कर रहे हैं तो सारे धर्म के लोगों के लिए करें, एक जाति समाज के लिए देख करके करना वो उचित नहीं होगा। ये बहुत से लोग हैं, क्योंकि सीए को बराबर जो है वो लोग इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से ये ऐलान किया गया कि इसमें नागरिकता किसी की जाएगी नहीं, अभी हम लोग मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से भी बात कर रहे थे, बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है
कि अभी इस मसौदे को पूरे तरीके से पढ़ा जाएगा और उन्होंने ख़ास तौर से मुसलमानों से भी ये अपील की है कि किसी भी तरीके का एहतजाज यानी कि विरोध नहीं करेंगे और इस चीज़ को पहले समझेंगे कि कैसा है। स्वाति मेरे साथ बनी हुई है, स्वाति सीए को लेकर देखिए चर्चाएं हमेशा से तेज रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम सब ने देखा है 2019 में कि सीए एनआरसी को लेकर विरोध किया गया था और कई दिनों तक धरने पर भी बैठे थे लोग इसके विरोध में, लेकिन 2019 में सीए लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। उसके बाद कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा है, आपने सुना होगा कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे इसे, लेकिन इसका असर कोई भारत में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार सीए है क्या, क्योंकि भारत में इसका विरोध देखने को मिला था। अभी अगर आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को सुन लीजिए तो वो इससे पहले भी कहती हुई नजर आई है। अब नोटिफिकेशन में क्या है पढ़ के उसके बाद जो है वो बयान सामने आएंगे, प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, लेकिन सीए है क्या ये आपको सबसे पहले बताते हैं कि सीए ठीक है। स्वाति ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सुंदर अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सुंदर, देखिए ये सीए लगातार विवादों में बना रहा, गृह मंत्री की तरफ से लगातार यही कहा गया कि देखिए गृह मंत्री की तरफ से लगातार यही कहा गया कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। आज देखिए इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जल्द ही ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। देखिए स्वाति मैं आपको बता दूं, दरअसल सीए को लेकर 2019 में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य जगह पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। आज सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे कि सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इससे क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। क्या नाम है आपका और क्या सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा? ये देश के लिए गौरव का विषय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले हैं देश के हित के लिए है और मैं इसका स्वागत करता हूँ, लागू होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इससे लोगों की पहचान हो जाएगी कौन इस देश को खोखला करने का काम चाहता है, कौन राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान हो जाएगी। तो क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है क्या इसका? हाँ नुकसान बिल्कुल होगा, आतंकवादी मानसिकता के जो लोग हों उनके लिए ये नुकसान देश चीज है और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जांच करा लेना चाहिए जो इस देश को खोखला करने का काम करते आए हैं और ऐसे लोगों के सर कलम कर देना चाहिए जो देश को माँ भारती के हित में कार्य में बांधा डालते हैं, चाहे वो कोई राजनीति दल का आदमी हो, चाहे कोई आपराधिक किस्म का आदमी हो, चाहे आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी हो, अगर वो देश की तरफ आग उठा के देखेगा तो मैं उसके लिए मानने और मानने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं माँ भारती के हक में माँ भारती के हित में बोलता रहूंगा जब तक मेरे लागू हो रहा है। अच्छी बात होना चाहिए, इसकी देश को जरूरत है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए सीएनआरसी लागू हो रहा है इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट होगा? इससे कोई नुकसान तो कोई नहीं है, लागू होना चाहिए, जो नागरिक है अपने वो पहचान हुई कि ये हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं, नुकसान कोई नहीं है इससे। देखिए साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सीए एनआरसी लागू हो रहा है इससे नुकसान वाली कोई बात नहीं है, जो लोग लंबे समय से इस देश में रह रहे हैं वो यही रहेंगे। जी ठीक है, अहमद मैं आपके पास आऊंगी। देखिए सीए का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और देखिए लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। अहमद आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो अहमद देखिए लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं हैं सीए को लेकर तमाम वो आने लगी हैं। हम मौलाना सुफियान निज़ामी साहब के पास हैं, दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता हैं। मौलाना साहब, अब सुफियान जो सीए का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, आप लोग का इस पे क्या नज़रिया? देखिए अभी अभी हमें भी पता चला है, हम लोग अभी रमज़ान का चांद देख रहे हैं और ये खबर आई है कि सीए के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या नोटिफिकेशन में क्या बातें रखी गई हैं और किन किन शर्तों को उसमें ज़रूरी करार दिया गया है, इन तमाम चीज़ों पर हम गौर करेंगे, पढ़ेंगे
और अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमें उसमें नज़र आती है जो यकीनी तौर पर किसी की भी शहरियत या किसी की भी सिटीज़नशिप उससे मजरूह होती है, छिनती है, तो यकीनी तौर पर फिर हम कानूनी जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने देखा था कि 2019 में जो है सीए का विरोध हुआ था, तो क्या लगता है कि अब की विरोध होगा या फिर इसको अपनाया जाएगा? नहीं देखिए, ये तमाम चीज़ें तो जो सीए आया है उसको पढ़ने के बाद और उस पर गौर करने के बाद ही सामने आ सकती हैं कि उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी। बहरहाल अगर कोई उसमें चीज़ गैर कानूनी या गैर संवैधानिक पाई जाती है तो उसका संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध किया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जो संवैधानिक दायरे में विरोध है ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हिंदुस्तान के हर शहरी को कानून ने दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर इसको मुसलमानों से भी जोड़ के देखा जा रहा था, तमाम इसको लेकर अफवाहें भी फैलाई गईं, तमाम तरीके की बातें हुई, क्या कुछ कौम से आप लोग अपील करना चाहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का की बयानबाजी और जिस तरीके की बातें और जिस तरीके की घोषणाएँ और आज से 2019 में तकरीबन जब सीए का एक मुद्दा पूरे देश में उरूज पर था, जब बातें की गई थी, तो उस वक्त जिस तरीके की बयानबाजी की गई और जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया था, यकीनी तौर पर उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की तरफ से जो विरोध होना था और जो उनके जज्बात मजरूह होने थे वो हुए थे। अब सीए के अंदर इस वक्त क्या चीज़ है और क्या चीज़ें मुसलमानों से जिनका ताल्लुक है और किन चीज़ों का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, ये तमाम चीज़ें तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही हम आपके सामने बयान कर सकते हैं। मौलाना सुफियान साहब, हम लोगों ने देखा था कि जब सीए की बात चली थी तो बहुत बड़े तादाद में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो धरने पर बैठ गई थी, तो क्या लगता है कि अब की भी कुछ क्या विरोध प्रदर्शन होगा या फिर उसमें इस बात को देखा जाएगा कि इसमें किसी भी तरीके की नागरिकता नहीं जा रही है बल्कि दूसरों को नागरिकता मिल रही है, तो विरोध इसको अब की जो है वो नहीं देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, विरोध का या ताईद का अभी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कानून इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि नहीं है, और इस कानून के ज़रिए से हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का कितना ज़्यादा इसमें दखल है और कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा है, और ये कानून क्या आपको टारगेट या नहीं हो सकती जब इस। चलिए ठीक है, बरेली से दीपक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, अब देखिए लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आने लगी है। आपके साथ भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि सीए को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। कि ये जल्द ही लागू होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज इसकी घोषणा की है और उसको लेकर तमाम जगह सिर्फ इसी कानून को लेकर चर्चा है। मेरे साथ कुछ बरेली के युवा पत्रकार है, कुछ बुजुर्ग हैं, ये उनसे बात करते हैं, इसको लेकर क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे जिस तरह से नगर संहिता कानून लागू है? ये लागू होने से जो देश में हमारे लाखों शरणार्थी थे उनको अब नागरिकता मिल जाएगी, लंबे समय से परेशान थे। ये लागू होने से जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मुस्लिम बहुल देश है वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, इस तरह के पारसी हैं, तो वो वहाँ से परेशान होकर पलायन किया था उन्होंने, वो यहाँ आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको इससे नागरिकता मिलेगी। तो वो देश जो है उन शरणार्थियों को समाज की, राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है माननीय गृहमंत्री जी ने, और इस कानून के लागू होने से मुस्लिमों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून किसी की नागरिकता को छीनता नहीं है। बस इस कानून में ये है कि जो भी शरणार्थी है उनको नागरिकता दी जाएगी। जी जैसे लोग बताया है कि जिस तरह से भ्रम फैलाया गया था पहले कि इस कानून को लेकर लागू किया जाएगा तो लोगों की नागरिकता जाएगी या लोग इसको लेकर भ्रमित थे, उस सारी चीजों को अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से लोगों को बताया जाएगा, कहा जाएगा जिस तरह से कानून है उसमें समान अधिकार लोगों को मिलेंगे, कोई भेदभाव की भावना नहीं होगी, लोग किसी से भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से अब यह है कैग लागू हुआ है, जल्द ही इसमें क्या नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है किस तरह से लागू करना है, ये तमाम चीजें रहेंगी। जी ठीक है, फिरोजाबाद से जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए नागरिकता संशोधन कानून इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जल्द ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगा, और इसको लेकर देखिए जो आम जनता है उनके रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन आज गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है और हम लोग मिश्रित इलाके में खड़े हैं, नालवन चौराहा है, क्योंकि
शाम का वक्त है और नमाज की तैयारी है, लोग ये मस्जिदों में जा रहे हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं दिखाई दे रहा, आम सामान्य लोग आते जाते रह रहे हैं और जो रूटीन में जो चलता है वैसा ही है। कुछ जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें जो चर्चा में रही थी उस दौरान 2019-20 दिसंबर की बात की जाए तो इस इलाके में बहुत दंगा की स्थिति रही, लोगों ने शांति की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास किया और उसमें बहुत कार्रवाई भी हुई, तो कुल मिलाकर उन सब चीजों से अब लोग समझ चुके हैं। और आप देख रहे हैं पीछे सेवैया की दुकान है, मुस्लिम भाई यहाँ खरीदारी करने के लिए है और चूंकि अभी मुस्लिमों के त्योहार हैं वो शुरू हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे जितेंद्र, दीपक मैं आपके पास आऊंगी, आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे और बातचीत करने की कोशिश करें सीए को लेकर, उनका क्या कुछ रिएक्शन है। किसी को परेशान नहीं करती है, किसी नागरिकता छीनती नहीं है, ये सबको एक जैसा समान आधारता को देना चाहती है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है कि लोकसभा चाहे उससे पहले इसका नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है और वर्ग विशेष को लोग कुछ लोग भयभीत कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी को डरने की जरूरत है ना कुछ रूप है, ये व्यापक तौर से अगर इसका नोटिफिकेशन का जन किया जाए तो सबको भ्रम दूर हो जाएंगे। धन्यवाद जी। अरविलाल से जिनका कहना था कि जो लोगों को डराया गया है, जिस तरह से भय दिखाया गया है, कुछ लोगों के द्वारा तथाकथित लोगों के द्वारा इस कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया, उससे डरने की जरूरत नहीं है, आम नागरिक कानून संहिता जब लागू होगा तो जो समान अधिकार है जिसमें जैसे शरीयत की बात करते हैं लोग अलग अलग, जिसमें तीन तलाक होता है, हलाला होता है, उन सबसे मुक्ति मिलेगी और जो कानून है भारतीय संविधान जिसको लेकर तमाम जो कयास लगाए जाते हैं, जिस तरह से आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर लोगों को एकदम से मुतमिन होना है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी को डर नहीं दिखाया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी को देश नहीं निकाला जाएगा। जिस तरह से पहले इस कानून को लेकर लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था, जिस तरह से भय दिखाकर एक माहौल बनाया गया था कि देश से हमको निकाला जाएगा, उस तरह की अब बातें लोगों की समझ में आई हैं। कानून को लेकर जो लोग थे, जो माहौल बना रहे थे, अब उस माहौल से निकलकर लोग बाहर आए और कल से ईद का त्योहार यानी लोगों की क्या राय है उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, वो क्या सोचते हैं सीए को लेकर, जिस तरह अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जल्द ही पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। देखिए लोगों से बातचीत की कुछ साथी हैं जो मेरे साथ हैं, उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि कानून को लेकर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और स्थानीय पत्रकार हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर जिस तरह से बना है, क्या प्रतिक्रिया है। ये कानून जो देश में लाखों शरणार्थी थे हमारे, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे, उनके कानून उनको नागरिकता देने का काम करेगा, इस कानून से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खासकर जो मुस्लिमों में एक शांति है कि कानून की नागरिकता छीन लेगा, उसके साथ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, कानून किसी की नागरिकता छीन लेगा, ये कानून सिर्फ जो शरणार्थी है जो पार्टी जैन जो अल्पसंख्यक लोग देश में आ रहे हैं या जो आए हुए समाजी उनको नागरिकता देने का काम कर रहा है, देश में समान नागरिक चिंता की बात हो रही है, ये सरकार का एक अच्छा कदम है और माननीय गृहमंत्री जी ने आक्षेप करके किया है कि सीए लागू होने से पूरे देश में एक राष्ट्र में पिरोने का काम किया है। देखिए जिस तरह से लोगों की बातें निकल के आ रही है, प्रतिक्रिया निकल के आ रही है, लोगों का कहना है कि जिस तरह से कानून है, कानून के प्रति भ्रांतियां जिन लोगों ने फैलाई थी लोग अब उससे उठ रहे हैं। आप देखिए कानून लागू होने का शहर में एकदम से चहल पहल है, लोग आराम से सामान खरीद रहे हैं, कल से उनका रमजान शुरू होने वाला है, किसी प्रकार की पूरे बरेली जिले में अभी तक कोई संशय नहीं है, कहीं कोई भीड़ नहीं है, कोई इस कानून का कोई विरोध करने वाला नहीं है। अब आज रात में जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जब कल जब विस्तार से इसके बारे में निकल के आएगा तो लोगों को समझाया समझ में आएगा कि जो लोग धर्म की ठीक है। अमर भी मेरे साथ बने हुए हैं। अमर देखिए सीए को लेकर हमेशा से विवाद देखने को मिला।